रमजान में, जैसे हर रमजान या कोई इंपॉर्टेंट डेज है, ये समझे मेरी लाइफ टाइम है, ये रमजान मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है, ये समझ कर रोजे रख, ये समझ के दुआ कर, तो अगर मुझे पता चले, इसलिए हर नमाज के लिए कहा गया कि मगरिब की नमाज में जब जब मुसल्ले पर जाओ तो ये सोच के जाओ कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्यों कहा कि तुम उस अंदाज से पढ़ोगे कि मेरी जिंदगी की अगर आखिरी नमाज मेरे सामने आ जाए तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे अल्लाह की बारगाह में मांगूंगा, कैसे इस्तगफार करूंगा। तो ये सोच के अपनी जिंदगी को गुजारो। रमजान प्रैक्टिस नहीं है कि हर साल रमजान आ रहा, हर साल इफ्तार पार्टी हो रहे, हर साल आप आ रहे इफ्तार कर रहे, खाना खा रहे, वापस चले जा रहे, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम में कोई चीज इबादत प्रैक्टिस की नहीं है, मारिफत की इबादत। अगर मारिफत नहीं आ रही तो खुश नहीं हो रहा। अल्लाह क्या बोला रमजान में कि तुमको तखवा हासिल करना है, मुत्तकी बनना है। अगर मैं मुत्तकी नहीं बन रहा हर साल रमजान में, अगर मैं मुत्तकी नहीं बन रहा एक साल के लिए, रमजान हमको रिफाइन कर रहा, जो हमने अब जो कुछ गुनाह किए ना वो गुनाह को माफ करवाना है। हमको ये फिक्र होना कि मेरे गुनाह पीस गौर से सुन, हमको ये फिक्र होना कि हमारे गुनाह इस रमजान में माफ होना। आप इंसाफ से बोलिए, क्या ये फिक्र है कभी मुझे? कभी मैं ये सोचता रात में बिस्तर पर जब जाता, दिन भर जर्सी में थका हुआ गया और अपने बिस्तर पर सो गया, औरत मरद लड़की लड़का सबको बोल रहा, एक लम्हे के लिए भी हमारे जहन में ख्याल नहीं आता कि कम से कम गुनाही तो माफ करवा लूं। गुनाह माफ करवाने के लिए घंटा दो घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, एक जुमला बोलना है बस, अपने आप को एडमिट करना है उसके सामने और एक जुमला बोलना कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, बस इतना बोल, अल्लाह मुझे माफ कर। सोने से पहले तुम्हारी जबान पे ये जुमले आना कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तो कम से कम अगर माफ आए तो तुम मकफूरा उठोगे, क्लीन उठोगे। ये जहन से निकल तो ग्रांटेड नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे कोई गुनाह नहीं है। और रमजान रखा गया कि सिर्फ अपने आप को क्लीन करने का। अगर मेरे जुमले नहीं, मेरे मासूम इमाम के जुमले कि अगर शबे कदर में किसी के गुनाह, प्लीज माफ सुनो बड़े सब जुमले, अगर शबे कदर में किसी के गुनाह माफ नहीं होते तो मासूम इमाम कहता उसको इंतजार करना पड़ेगा रोजे अरफा तक। हम कभी शबे कदर आती है आते हैं अमाल करते हैं चले आते हैं, कभी जब एंड अपनी शबे कदर होती है फजर पे, या जब आप इमाम बारगाह से निकलते हैं या घर में अमल कर रहे, घर में अमल कर रहे, क्या उस वक्त आपको ख्याल आता है कि यार आज की पूरी रात तो गुजर गई, क्या मैंने अपने गुनाह को माफ किया, मेरे गुनाह माफ हुए, हमने ग्रांटेड लिया। अरे मेरे तो माफ हो जाएंगे, कैसे माफ होंगे भाई, कैसे माफ होंगे? उसी शबे, प्लीज गौर से सुनो, उसी शबे कदर में एक मशहूर दुआ, शबे कदर क्या है, कुरान में अल्लाह कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, सूरह नाज़िल ना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। अल्लाह बोल रहा कि तुम जान ही नहीं सकते, इस शब को लेके जाके शहजादी कौनैन से मिलाया गया,